हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मनी मार्केट एंड इंस्ट्रूमेंट। दिस इज पार्ट नंबर वन। आई विल डिस्कस द पार्ट नंबर टू इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक मनी मार्केट। व्हेन वी टॉक अबाउट द मनी मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आई ऑलरेडी डिस्कस दिस इन माई फर्स्ट स्लाइड रिलेटेड टू द सेम सब्जेक्ट। फाइनेंशियल सिस्टम divide into four parts. Financial market is there, financial services is there, financial instruments are there, financial instruments institutions are there. Then when we talk about the financial market divide into two parts. One is money market and second one is capital market. When we talk about the money market जब हम कहते हैं कि एक साल तक हमने पैसे को invest कर दिया, that is known as the money market. Like when we go for the investment for a very short period of time and within one year, so that is known as the money market. And capital market, जब हम long term और medium term की वहाँ पर बात करते हैं, again capital market divided into two part. One is primary market and second one is secondary market. मनी मार्केट क्या है? जब हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, विद इन वन ईयर की बात करते हैं, और हम यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की भी बात कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट हियर। मनी मार्केट एज पर द आरबीआई डेफिनेशन, अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। देखो, जो मार्केट है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, विद इन वन ईयर जो हमें रिटर्न दे रहा है, दैट इज क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी बिकॉज इजिली दैट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश। लिक्विडिटी भी वहाँ पे ज़्यादा रहेगी। फैसिलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मनी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। द मनी मार्केट इज अ मैकेनिज्म, सेकेंड जो डेफिनेशन है, दैट डील्स विद लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि लेस देन वन ईयर्स की ईयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। A segment of financial market in which, this is a segment of the financial market in which financial instruments which high liquidity because easy to convert into cash, liquidity is more and very short maturity are traded, यानी कि within one year की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। We talk about day to day, we talk about 14 day, fortnightly की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, we talk about the monthly return is there. अब बात आती है कि features, money market की क्या क्या feature हैं, what is a part of the money market, let us discuss with that. Features of money market. It is a market purely for the short-term funds or financial assets called the near money. Near money हम किसे कहते हैं? जो हम कहते हैं बड़े short period के लिए हमने पैसा market में invest कर दिया, तो उसे हम कहेंगे this is a foremost feature of the money market, यानी कि it is a market purely for the short-term funds or financial assets called the near money, जिसे हम near money भी कहते हैं। It deals with financial assets having a maturity less than one year. वही बात repeat होगी, यानी कि हम कहते हैं कि short term funds की हम बात करते हैं, less than one years की हम यहाँ पे बात करते हैं। In the money market transaction can't take place formal like stock exchange. Money market की जितनी भी transaction है, that is not take place in a particular place like the stock exchange. Only with the help of the, हम कहते हैं कि with the help of the dealers in the market we are going to purchase in the money market. Like in this, the bankers are the main party. That is a part of the money market as well as the government, commercial banks, जो banking सेक्टर है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। इसको कंटिन्यू करते हैं फीचर्स को। ट्रांजेक्शन हैव टू बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ द ब्रोकर। इसमें हम ब्रोकर्स की हेल्प नहीं लेंगे, ठीक है? जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर ब्रोकर्स अब ब्रोकर्स आर देयर, तो इसके अंदर ब्रोकर्स की हेल्प नहीं होगी, डायरेक्टली हम परचेज करेंगे मार्केट से। इट इज़ नॉट अ सिंगल होमोजीनियस मार्केट, इट कंप्राइज ऑफ सर्वल सब मार्केट्स लाइक कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट। ये एक सिंगल होमोजीनियस मार्केट नहीं है, यानी कि एक तरह की मार्केट वहाँ पे नहीं है। दैट इज डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट ऑफ मनी इन द मार्केट। अगर हम कॉल मनी की बात करेंगे, दिस इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अंडर मनी मार्केट। कॉल मनी की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, डे टू डे भी हम वहाँ पर बात कर सकते हैं लोन की, लेकिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वहाँ पे हमें मिलेगा लोन। और बिल मार्केट की बात भी कर सकते हैं, जहाँ पे हम कई पार्ट्स में उसको मैच्योरिटी, लेकिन विद इन वन ईयर ही वहाँ पे भी बात करेंगे। तो एक होमोजीनियस मार्केट यहाँ पे नहीं है, हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ मार्केट है। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर कमर्शियल बैंक्स। जो इसमें हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मैंने अभी बोला था मेन कंपोनेंट इसमें कमर्शियल बैंक की बात करेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की इसमें बात करेंगे। नाउ द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द मनी मार्केट। मनी मार्केट अभी मैंने आपको बताया कि बड़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एक तो ये हो गया, सेकंड हो गया कि जो हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ अ वन थिंग, और उसके अंदर कई सारे इंस्ट्रूमेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं और ईजी टू कन्वर्ट इन टू कैश है।
तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या रहेंगे, टू प्रोवाइड अ पार्किंग स्पेस टू एम्प्लॉय शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड. शॉर्ट टर्म सरप्लस फंड की हम यहाँ पे बात करेंगे, ये इसका मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है. सेकंड, टू प्रोवाइड रूम फॉर ओवरकमिंग शॉर्ट टर्म डेफिसिट. अगर शॉर्ट टर्म डेफिसिट को हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द मनी मार्केट, बिकॉज वी रेज द लोन फ्रॉम द दिस इंस्ट्रूमेंट और मनी मार्केट एट अ ईजी टर्म्स. नेक्स्ट इज टू अनेबल द सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस एंड रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स इंटरवेंशन इन द मार्केट. सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो इन इंडिया, सेंट्रल बैंक इज RBI एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मनी मार्केट. लाइक सेंट्रल बैंक इज ऑल्सो वन ऑफ द डीलर इन द मनी मार्केट. नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल एक्सेस टू यूजर ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स टू मीट देर रिक्वायरमेंट क्विकली. अगर हमें जल्दी से अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है, दिस इज द ईजी मोड टू रेज द फाइनेंस फ्रॉम द मार्केट. अब मनी मार्केट की ज़रूरत क्यों पड़ी, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट. अगर हम बात करें ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, तो सभी को लोन चाहिए टाइम पे, क्विक पेमेंट्स वहाँ पे होनी चाहिए. देन इफ़ वी वांट टू डेवलप द ट्रेड एंड इंडस्ट्री इन इंडिया, देन देर इज़ द मनी मार्केट रिक्वायरमेंट इज़ देयर. नेक्स्ट इज़ टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट. फिर वही बात आ गई, कैपिटल मार्केट क्या हुई, जब हम लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म की वहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए भी हमें कहीं ना कहीं मनी रेज करना था. स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, बिकॉज कमर्शियल बैंक आर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट. उनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, उनकी इनकम के लिए भी मनी मार्केट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन सिनेरियो, इंडियन इकोनॉमी. इफेक्टिव सेंट्रल बैंक कंट्रोल, इफ द बैंक वांट टू कंट्रोल द होल इकोनॉमी देन मनी मार्केट इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल मॉनेटरी पॉलिसी. अगर वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी अच्छी बनानी है, तो वी हैव टू डिसाइड अबाउट द इंटरेस्ट एज वेल एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट. तो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, अब सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि मनी मार्केट है क्या. एक्चुअल में मनी मार्केट तो है कि शॉर्ट टर्म हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया. अब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, किस कैसे हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, किसके थ्रू हम मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मनी मार्केट. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि मनी मार्केट में हम कैसे पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, हाउ वी गो फॉर द मनी मार्केट, व्हाट इज़ द कंडीशंस आर देयर, व्हाट आर द पॉलिसी दैट इज़ मेक बाय द गवर्नमेंट. अब मनी मार्केट क्या हो गया, जब हम शॉर्ट टर्म की बात वहाँ पे करते हैं, लेस देन वन ईयर की हम वहाँ पे बात करते हैं, हम कहते हैं इजी टू कन्वर्ट इन कैश होता है, हम यानी कि इजिली लिक्विडिटी की वहाँ पे बात कर देते हैं. लाइक आई एम टेकिंग हेयर द फाइव इंस्ट्रूमेंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. द टू इंस्ट्रूमेंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पार्ट एंड नेक्स्ट थ्री इंस्ट्रूमेंट आई विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, पार्ट नंबर टू. लेट अस स्टार्ट विद द कॉल मनी मार्केट. थोड़ा सा डिस्कशन इसके बारे में और कर लेते हैं. जो कॉल मनी मार्केट हो गया, वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे हमने वहाँ पे इंटरेस्ट पे हमने पैसा ले लिया और हमें काफ़ी इजीली और काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ मिल गया. ट्रेजरी बिल की जब हम बात करते हैं, ट्रेजरी बिल मार्केट क्या होती है, जब हम बात करते हैं ट्रेजरी बिल, इंडिया में थ्री टाइप्स के होते हैं. 91 डेज़ का होता है, 182 डेज़ के लिए हम वहाँ पे मनी ले सकते हैं, 364 डेज़ का होता है. और ट्रेजरी बिल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है. व्हेनेवर वी कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटी इन द मार्केट, वेदर द म्यूचुअल फंड, वेदर द शेयर मार्केट, देन वी हैव टू टेक द रेट ऑफ ट्रेजरी बिल. दैट इज ऑल्सो नोन एज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट. यानी कि दिस इज़ अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज़ अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ गिवन बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटी. यानी कि अगर हमें इससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा मार्केट के अंदर, तो हम वहाँ पे विन विन सिचुएशन के अंदर हैं. अगर इससे भी कम मिल रहा है, दैन दिस इज़ बेटर टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल की हम बात करेंगे. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी डिस्कस अबाउट द बिजनेस टू बिजनेस, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द एक्सपोर्टर इंपोर्टर, यानी कि वी डिस्कस अबाउट द बायर एंड सेलर. दिस इज अ बिल थ्रू विच देर इज सम ऑब्लिगेशन एज वेल एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. कमर्शियल पेपर इज देयर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज देयर. दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट. लेट अस स्टार्ट विद द कॉल मनी मार्केट. कॉल मनी मार्केट क्या है? कॉल मनी मार्केट जब हम बात करेंगे, अभी मैंने बोला कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम बात करते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि बैंक बोरो फ्रॉम द अदर बैंक, यानी कि एक बैंक दूसरे बैंक से बोरो करता है. क्यों बोरो करता है? सडन डिमांड अगर हो जाती है बैंक के पास और वहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है, देन बैंक बोरो द अमाउंट फ्रॉम द अदर फ्रेंड्स बैंक. मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी, बैंक क्या होता है. बैंक एक हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है. बैंक का जो हेड ऑफिस है, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, वो RBI बनाता है. तो बैंक का जो फादर है वो RBI हो गया यहाँ पे, ठीक है. बैंक या तो RBI से पैसे लेगा, जब हम रेपो रेट की या रिवर्स रेपो की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं ये कंसेप्ट कि बैंक कहाँ से पैसे रेज कर सकता है. लेकिन जो बैंक के फ्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर, अब बैंक के फ्रेंड्स कौन से हुए मार्केट के अंदर, बैंक के फ्रेंड्स हुए दूसरे बैंक्स, यानी कि जितने भी और बैंक्स हैं,
वो हमारे वहाँ पे बैंक के फ्रेंड्स हो गए। यानी कि अब बैंक अगर अपने फ्रेंड से लोन वहाँ पे लेता है तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे होंगी। तो कॉल मनी मार्केट क्या हो गया, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए व्हेन वी रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट, दैट इज़ नोन एज द कॉल मनी मार्केट। दिस इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट इज़ दैट पार्ट ऑफ नेशनल मनी मार्केट वेयर द डे टू डे सरप्लस फंड मोस्टली ऑफ द बैंक्स आर ट्रेडेड इन। यानी कि डे टू डे की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने अभी कहा था कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं। द लोन मेड इन द मार्केट आर ऑफ शॉर्ट टर्म नेचर, जितने भी लोन होंगे शॉर्ट टर्म नेचर के होंगे। मनी मार्केट की डिस्कस कर लिया तो शॉर्ट टर्म नेचर की बात हम वहाँ पे कर रहे हैं। बैंक बोरो फ्रॉम अदर बैंक, बैंक क्या करता है, दूसरे बैंक से बोरो करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बैंक क्या करेगा, अपने फ्रेंड से वहाँ पे बोरो कर लेगा, ठीक है। फ्रेंड कौन हुआ, जो अदर बैंक है। इन ऑर्डर टू मीट द सडन डिमांड ऑफ द फंड्स, एकदम से उसको डिमांड हो गई बैंक को और वहाँ पे उसके पास लिक्विडिटी कंडीशन अच्छी नहीं है, देन बैंक कैन बोरो फ्रॉम द अदर बैंक्स इन द मार्केट लार्ज पेमेंट एंड टू मेंटेन कैश एंड लिक्विडिटी विद द RBI। बैंक को कुछ पैसा RBI के पास भी रखना पड़ता है अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, खुद के पास भी रखना पड़ता है, कुछ काफ़ी सारी पेमेंट्स भी करनी पड़ती है। तो बैंक के पास कई बार ऐसी डिमांड हो जाती है कि उसके पास मनी नहीं होती लिक्विड फॉर्म में, या वैसे भी मनी नहीं होती, तो बैंक क्या करेगा, अपने फ्रेंड से, अपने अदर बैंक से वहाँ पे पैसा उधार ले लेगा, बोरो कर लेगा। दस द एक्सटेंड द कॉल मनी इज़ यूज इन इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व। यानी कि जो हम रिजर्व रखना है, वेदर दैट इज़ विद द RBI, वेदर दैट इज़ विद द बैंक, बैंक को अपने पास भी रखना पड़ता है। हमने पहले जो मैंने एक बैंक का वीडियो बनाया है, मैंने क्लियर किया था कि CRR इज़ देयर, मैंने क्लियर किया था SLR होती है। तो जो ये सभी चीज़ें हैं बैंक को मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी, बैंक को अपने पास भी पैसा रखना पड़ेगा, बैंक को RBI के पास भी पैसा रखना पड़ेगा, तो उसके लिए वहाँ पे उसको रिजर्व एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व वहाँ उसे करनी पड़ेगी, देन बैंक कैन बोरो द मनी फ्रॉम द अदर बैंक्स द फ्रेंड्स इन द मार्केट। अब हम बात करेंगे कि कॉल मनी के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स इन द कॉल मनी मार्केट, फर्स्ट है शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी बैंक्स का वीडियो के अंदर कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन क्या है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फॉरेन बैंक, कौन कौन से फॉरेन बैंक है, लाइक दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैं, वो भी मनी मार्केट के अंदर शेड्यूल बैंक हो गए, यानी कि हमारे कमर्शियल नॉन कमर्शियल बैंक हो गए, नॉन शेड्यूल बैंक्स हमारे हो गए जो हम लोकल एरिया बैंक की बात करते हैं, हमारे फॉरेन बैंक्स वहाँ पे हो गए जितने स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गए, वो भी हमारे पार्टिसिपेंट कर सकते हैं मनी मार्केट के अंदर, दे कैन बोरो फ्रॉम द अदर बैंक्स इन द मार्केट। फिर मैंने यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशंस लिए हैं, एक है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया जो फेमस है DFHI के नाम से, और सेकंड है सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों ही क्या करते हैं, बोरो भी करते हैं एज वेल एज लेंड भी करते हैं मार्केट के अंदर, लेंड के पैसा लेते भी हैं और देते भी हैं मार्केट के अंदर, लाइक बैंक्स एंड प्राइमरी डीलर इन द कॉल मनी मार्केट। तो ये जितनी भी पार्टीज हैं दैट पार्टिसिपेट इन द मनी मार्केट। नाउ अब हम बात करेंगे DFHI की, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये 1988 मार्च में आया था, ठीक है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ वो अप्रैल 1988 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन इज़ टू फैसिलेट स्मूथनिंग ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इम्बैलेंस बाय द डेवलपिंग एंड एक्टिव सेकेंडरी मार्केट फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को वहाँ मेंटेन करके रखना है, इसका जो ऑथोराइज कैपिटल है 250 करोड़ है यहाँ पे, और मेनली ये किस में हेल्प करता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ 182 ट्रेजरी बिल हैव बीन द मेन फंक्शन। वैसे तो ये कॉल मनी मार्केट में भी पार्टिसिपेंट है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो ट्रेजरी बिल के लिए है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। उसमें ये 182 डेज का अगर हम ट्रेजरी बिल परचेज करते हैं तो उसके अंदर ये वहाँ पे लिक्विडिटी पोजिशन मेंटेन करके रखते। सेकेंड मैंने यहाँ पे लिया STCI, क्योंकि जितने भी और पार्टिसिपेंट थे वो ऑलरेडी डिस्कस इन द बैंक वीडियो, लेकिन दीज टू आर वर नॉट डिस्कस देयर एंड दैट्स व्हाई आई इंक्लूड इन दिस वीडियो, आई डिडंट डिस्कस एनीथिंग इन द प्रीवियस वीडियो एंड दैट्स व्हाई आई डिस्कस हियर। STCI क्या होता है, जो सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ये नॉन डिपॉजिट NBFC है विद RBI के पास रजिस्टर है। प्रेजेंटली इसका क्या काम है कि लोन NBFC के नाम से ये वहाँ पे क्लासिफाई हम इसे करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पार्टिसिपेंट्स इन द मनी मार्केट, इन द कॉल मनी मार्केट। नेक्स्ट
यहाँ से मैं लूँगी कॉल रेट. कॉल रेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर हमने एक दिन के लिए लोन लिया है, बैंक टू बैंक लोन दिया है, आर टू आर यानी कि आर्स के बेसिस पे हमने वहाँ पे लोन लिया है, तो वहाँ पे सेंसिटिविटी ज़्यादा रहेगी मार्केट के अंदर. तो वहाँ पे ये रहेगा कि इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा रहेगा मार्केट के अंदर, ठीक है. तो जो रेट ऑफ़ इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल लोन्स आर कॉल द कॉल रेट, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हम वहाँ पे करते हैं उसे हम कॉल रेट कहते हैं. सबसे पहली बात, कॉल रेट इज़ हाईली वेरिएबल फ्रॉम डे टू डे. यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि आर टू आर 24 आवर मार्केट रहता है, बैंक कभी भी लोन ले लेते हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल रहेगा, सेंसिटिविटी रहेगी, जो हम प्राइस वहाँ फ्लैक्चुएटेड प्राइस वहाँ पे रहेगा. इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉल लोन्स. उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना डिमांड कर रहे हैं, कितना सप्लाई कर रहे हैं. और जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है बेस फिक्स इनकम मनी मार्केट और डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया. ये लोग डिसाइड करते हैं कि हाउ मच इंटरेस्ट और हाउ मच रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ देयर इफ़ द बैंक वांट टू टेक रेज द लोन फ्रॉम द बैंक्स. यहाँ पे मैंने हिस्ट्री ली है कि कॉल रेट इन इंडिया कैसे स्टार्ट हुए, क्या उनका स्टार्टिंग पॉइंट था. कॉल रेट इन इंडिया हैज़ रीच इन हाई एज अ लेवल 30% इन दिसंबर 1973 में. 30% के ऊपर वहाँ पे लोन मिलना स्टार्ट हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी इतना ज़्यादा. तो वहाँ पे इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन 1973 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सीलिंग फिक्स कर दिया कि 15% कॉल रेट वहाँ पे रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट था. उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जो एसोसिएशन है उसने रेट्स और नीचे लेके आए वो लोग. तो आप देख सकते हो कि 15% रहा, उसके बाद 8.6% था, 10% था, और धीरे धीरे अगर अप्रैल 2020 की बात करेंगे, बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो इज़ नॉट वेरी गुड, देयर इज़ अ रिसेशन इन द मार्केट एंड दैट्स वाई द रेट इज़ ओनली 2%, ठीक है. और वही रेट अप्रैल 2019 में 4.25% है मार्केट में. दे आर नाउ टू कॉल रेट्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर अभी दो कॉल रेट है इंटर बैंक, जब हम बात करते हैं एक से दूसरे बैंक में हम बात करते हैं. तो और अदर इज़ द लैंडिंग रेट ऑफ DFHI, जो ऑलरेडी आई डिस्कस विद. अब यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट टर्म लोन और व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कॉल मनी मार्केट, तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि बैंक टू बैंक वन डे के लिए हमने वहाँ पे लोन दे दिया, इंटरेस्ट रेट इज़ फिक्स बिटवीन द बैंक एंड वहाँ पे हमने लोन रेज कर लिया. नोटिस मनी क्या होती है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हम 2 to 14 days के लिए लोन वहाँ पे लेते हैं, बैंक टू बैंक लोन लेता है, तो हम उसे नोटिस मनी वहाँ पे कहेंगे. और टर्म मनी क्या होती है, जब हम 15 days to 1 year वहाँ पे लोन रेज करते हैं, ठीक है. तो कॉल मनी मार्केट क्या होता है, जब हम बैंक टू बैंक वन डे वहाँ पे लोन लेते हैं. नोटिस मनी क्या होता है, जब 2 to 14 days की हम बात करते हैं, यानी कि 2 to 14 days तक हमने वहाँ पे लोन ले लिया. और टर्म मनी की बात करते हैं, जब 15 to 1 year तक हमने वहाँ पे लोन ले लिया. तो जैसे जैसे एक्सटेंड होता जाएगा लोन, वैसे वैसे उनके नेम चेंज होते रहते हैं, क्योंकि एक ये फाइनेंस स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें पता होना कि कॉल मनी क्या होता है, नोटिस मनी क्या होता है और टर्म मनी क्या होता है. टर्म मनी तो टर्म्स ही पता चल जाता है कि एक्सटेंशन की हम वहाँ पे बात कर रहे हैं. अब ये भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम इसमें डील कैसे करेंगे, डीलिंग सेशन इसका क्या रहता है. डील्स इन कॉल मनी मार्केट कैन बी डन अप टू 5 PM ऑन द वीकेंड. वीकडेज की जब हम बात करेंगे तो 5 PM तक हम वहाँ रहेंगे, लेकिन सैटरडे को 2:30 तक हम वहाँ पे डील करते हैं, बिकॉज एज पर द स्पेसिफाई बाय द RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम. RBI उसे चेंज भी कर सकता है. और लोकेशन कॉल मनी मार्केट इंडिया की कहाँ कहाँ पे रहती है, मुंबई है, कलकत्ता है, चेन्नई है, दिल्ली है एंड अहमदाबाद है. ये मेन सेंटर हैं जहाँ पे मेन कॉल मनी मार्केट सर्वाइव कर रहा है. ये तो हो गया कॉल मनी मार्केट, जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किया. नाउ आई डिस्कस अबाउट द ट्रेजरी बिल मार्केट, जो अभी मैंने बताया भी था कि ट्रेजरी बिल मार्केट जो इंडिया के अंदर है उसके टाइप्स हैं. ये भी एक तरह से मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है. इसको हम टी बिल भी कहते हैं, ट्रेजरी बिल और टी बिल इसको ही हम कहते हैं. इसके विच आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है ये भी, एंड इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंटली इशू इन 3 tenures. 3 tenures में ये इशू हुआ है, 91 days, 182 एंड 364 days, ठीक है. तो टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल की हम बात करेंगे तो हम यही बात करेंगे, 91 डे का, 182 डे का, 364 डे का. इफ़ यू वांट टू टेक द डाटा ऑफ दिस ट्रेजरी बिल दैट इज़ अवेलेबल ऑन RBI.org.in है, वहाँ से आप ये पूरा डाटा ले सकते हो. डाटा बेस में जाके आपको वहाँ पे पूरा ट्रेजरी बिल का डे वाइज डाटा वहाँ से मिल जाएगा. ट्रेजरी बिल ऑफर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरली अप टू 1 year. 1 year के लिए हमने इन्वेस्ट कर दिया, देखो 91 days, 182 एंड 364, यानी कि 365 days होते, तो 364 days है, तो 1 year की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. दे आर द यूजफुल इन मैनेजिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी. ये क्या मेंटेन करते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को वहाँ पे मेंटेन करते हैं ट्रेजरी बिल.
इंडिविजुअल फर्म ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन एंड बैंक कैन परचेज टी विल. कौन कौन खरीद सकता है? इंडिविजुअल कैन परचेज द टी विल फ्रॉम द मार्केट. फर्म्स आर देयर, ट्रस्ट आर देयर, इंस्टीट्यूशन आर देयर, बैंक्स आर देयर. यू कैन परचेज ट्रेजरी बिल एट अ बैंक थ्रू अ डीलर और अ ब्रोकर और ऑनलाइन फ्रॉम अ वेबसाइट लाइक ट्रेजरी डायरेक्ट. द बिल्स आर इशू थ्रू एन ऑक्शन बिडिंग प्रोसेस विच अकर वीकली. ठीक है, ट्रेजरी बिल आर नाउ इशू ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू द यूज टू बी अ पेपर बिल. ठीक है, अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है ट्रेजरी बिल की वो मैं डिस्कस कर रही हूँ. ट्रेजरी बिल मार्केट 1970 में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर. ठीक है, तो सबसे पहला जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट था वो ट्रेजरी बिल मार्केट ही था. इसीलिए मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि ट्रेजरी बिल का जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसको हम रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डिनोट करते हैं फाइनेंस के अंदर. उसको ऐसे हम लिखते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट. और कुछ भी हमें कैलकुलेट करना है, वेदर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑफ द म्यूचुअल फंड इन द मार्केट, तो दिस रेट इज यूज एवरीवेयर बिकॉज दिस इज द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. दिस इज द मिनिमम rate of return that is given from the government side. ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो हम इसे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी मार्केट में कहते हैं. 1917 में आया था और इसे हम नियर मनी मार्केट भी कहते हैं ट्रेजरी बिल मार्केट को. और इसमें जब हम ट्रेजरी बिल परचेज करते हैं तो 25,000 का हमें लॉट वहाँ पे परचेज करना होता है. 25,000 का एक लॉट होता है हमें, यानी कि 25,000 हमें एक बार में इन्वेस्ट करना है इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज द ट्रेजरी बिल. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे डील करती है, इसे इशू करती है. किसको पैसा चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, तो इसलिए वो ट्रेजरी बिल वहाँ पे इशू कर देती है. और RBI इज़ अ मेन डीलर बैंक इन दिस. RBI इसमें डीलर बैंक बनता है. यानी कि ट्रेजरी बिल सबसे पुराना मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है. 1917 में ये आया था. इसे हम नियर मनी मार्केट भी कहते हैं, इसे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है. 25,000 का लॉट इसमें रहता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे इशू करती है और RBI इज़ अ मेन डीलिंग बैंक इन दिस. अब हम डिस्कस करते हैं 91-day ट्रेजरी बिल. आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया है. 91 days के लिए अगर हम वहाँ पे इशू करती है गवर्नमेंट टू रेज द अमाउंट फ्रॉम द मार्केट, तो उसे हम 91 days ट्रेजरी बिल कहते हैं. तो अगर हम क्वालिटीज़ की वहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करें तो हाई लिक्विडिटी वहाँ पे रहेगा, रिस्क नहीं रहेगा. ठीक है, इल्ड हमें वहाँ पे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रिटर्न की वहाँ रहता है, लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारी वहाँ पे रहती है. तो हे आई डिस्कस अबाउट द 182 days ट्रेजरी बिल. सेम ये भी वैसा है कि 182 दिन के लिए, 182 days के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे इशू कर दिया. ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट रेज द मनी फ्रॉम द मार्केट फॉर 182 days. देन अगेन द 364 days ट्रेजरी बिल मार्केट में आया और ये 1992 में आया था. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेजरी बिल मार्केट. अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि ट्रेजरी बिल तो 3 ही टाइप्स के होते हैं. व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कि व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर द पब्लिक इन द मार्केट, तो 91 days का ही होता है, फिर 182 days का होता है और 364 days का होता है. लेकिन व्हेन वी डिस्कस अबाउट द दिस बिल इज़ ऑल्सो देयर, 14 days ट्रेजरी बिल भी होता है. लेकिन अगर हम इस चीज़ को लेके चलें तो 14 days का जो ट्रेजरी बिल होता है वो अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की वहाँ पर बात करें सिर्फ उसी के लिए होता है. ठीक है, तो अथॉरिटीज़ ने ये बिल भी इंट्रोड्यूस वहाँ पे किया. इसमें क्या होता है, इट इज़ सोल्ड ओनली टू स्टेट गवर्नमेंट्स. यानी कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को ही सेल हो सकता है. फॉरेन सेंट्रल बैंक के लिए ये बना हुआ है एंड अदर स्पेसिफाइड बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम विद अल्टरनेट अरेंजमेंट इन प्लेस ऑफ 14-day टैप TB फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ देयर टेम्परेरी. यानी कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट और फॉरेन सेंट्रल बैंक और जो स्पेसिफाइड बॉडीज हैं उन्हीं के लिए ये इशू होता है 14 days का बिल. तो अगर हम वैसे बात करेंगे तो हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल इज देयर. लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो वन मोर टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है इस बिल की, इट इज़ नॉट ट्रेडेबल और ट्रांसफरेबल. यानी कि ट्रांसफर नहीं कर सकते और ट्रेड नहीं कर सकते हम इस बिल के अंदर. ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल फॉरेन सेंट्रल बैंक के लिए ही वहाँ पे गवर्नमेंट ने लेके आए हैं इस इंस्ट्रूमेंट को. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू कि 91 days बिल इज़ देयर, 364 इज़ देयर, 182 बिल इज़ देयर. और ट्रेजरी बिल के अंदर जो मिनिमम है 25,000 तक हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके मल्टीपल में हम फिर जा सकते हैं. 25,000 ऐसे हम उसमें मल्टीपल में वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. थैंक्स अलॉट. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑन.